कोविड-19 का पहला वैक्सीन टीकाकरण का उद्घाटन बुधवार को निरसा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें, वहीं पहला वैक्सीन एएनएम दत्त ने निरसा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रोहित गौतम को देकर वैक्सीनेशन का कार्य को प्रारंभ किया। वहीं इस मौके पर निरसा अंचल अधिकारी एमएन मंसूरी, निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय उपस्थित हुए। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में वैक्सीनेटर टुल्लू दत्ता व कौशल्या कुमारी को दिया गया। इसी दिन का तो हम लोग का सपना था, इसी दिन का तो आशा था, और मतलब बहुत खुशी की बात है कि इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतलब कोविड पेशेंट को रखा जाता था, आज इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत सब डॉक्टर्स और नर्स को, तमाम पदाधिकारी, वीडियो हैं, सीओ हैं, आप लोग तमाम पत्रकार हैं, प्रशासन के सभी को हम जितना भी सहयोग यहाँ किए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज बहुत हर्ष और खुशी का दिन है और सब वैक्सीन लें, कोई डरे नहीं, कोई मतलब इसी से कोई मतलब क्षति नहीं होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग से ये वैक्सीन शुरू हो रहा है, बारी बारी जिसका भी बारी जब आएगा वो एकदम लें और स्वस्थ रहें, और अभी भी सब मास्क लगाएं, हाथ को धोएं, सामाजिक दूरी को अभी भी बनाए रखें और सब स्वस्थ रहें। वैसे अभी तक तो हम लोग का अच्छा भाग है कि धनबाद में अभी तक कोई भी AE5 रिपोर्ट नहीं हुआ है और किसी को कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, तो ये अच्छा चीज़ है, अच्छा संदेश है और लोगों के लिए कि सब लोग लगवाएं, निर्भीक होकर लगवाएं, डरे नहीं, जिसको मौका मिलता है वो एकदम लगवाएं, क्योंकि ये मौका ही बहुत मुश्किल से मिल रहा है लोगों।